अवाम से हमने क्या उम्मीद लगाई हुई है क्यों कई कदम जो उठा रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है दुनिया के अंदर कोरोना की क्या हालात हैं और ये इसलिए ज़रूरी है कि आ, जब इस तरह का सिचुएशन जो कोरोना की वजह से डेवलप हुआ है ये सिचुएशन इसकी कोई मिसाल पहले नहीं मिलती तो इसकी वजह से कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी कभी भी किसी हुकूमत ने तैयारी नहीं की हुई थी आ, आप सबको मुबारक देता हूँ अपनी कॉम को मुबारक देता हूँ कि आ, और अल्लाह का ख़ास तौर पर अल्लाह का शिक्र अदा करता हूँ कि जो हम इस वक्त कैलकुलेट करके बैठे थे और कैलकुलेशन कौन करता है हमारा जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जिधर सारे पाकिस्तान के टॉप इदारे जो भी ये करोना के साथ और जो सेहत के शोबे के साथ इन्वाल्ड हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के वो हर रोज बैठ के अपने डॉक्टर्स के साथ पूरा डेटा सारे पाकिस्तान से लेके वो एनालाइज करते हैं कि कितनी बीमारियाँ हुई हस्पताल में कितना प्रेशर है आ, और करोना की प्रोजेक्शन क्या थी और आज क्या इसके मुताबिक जो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि इसके मुताबिक आज आज नहीं पच्चीस अप्रैल तक हम अंदाज़ा ये था कि पचास हज़ार करोना के मरीज़ होंगे पाकिस्तान में और आज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन 12 से पंद्रह हज़ार तक आ, आ, करोना के मरीज़ होंगे जो कैलकुलेशन पहले थी पचास हज़ार होने थे आज जो हम सारे असेस कर रहे हैं जो जितने भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं तो आज हम समझते हैं कि 12 और पंद्रह हज़ार के बीच में इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो हमारे अस्पतालों के अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी हैं कि इन आ, 12 से पंद्रह हज़ार में जिनको जो जो जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है जिनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी कि इनको इंटेंसिव केयर हॉस्पिटल की जो वो फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी जो इंटेंसिव केयर में मसलन वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तो अब तक हमारे पास जितने मरीज आ रहे हैं और जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है इन रेट के ऊपर अभी इस इस महीने हमें कोई मसला नहीं होगा हमारे पास वो फैसिलिटीज हैं हमारे हॉस्पिटल्स में जो हम आगे देख रहे बढ़ेंगे आप जिस तरह सारी दुनिया में देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं कि स्लो डाउन हो भी रहे हैं फिर भी बढ़ रहे हैं केसेस तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 25 तारीख तक हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा जो प्रेशर 25 अप्रैल में पड़ना था वो अब चला गया आगे पंद्रह और बीस मई तक और उस तक हम पूरी तैयारी कर रहे हैं हमारी एन डी ए में दुनिया से अभी भी हर रोज़ कॉन्टेक्ट पे हैं वेंटिलेटर्स के ऊपर जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है उसके ऊपर तैयारी पूरी कर रहे हैं लेकिन मैं अभी भी आपको कहूँ कि अगर अगर हम ज़्यादा एहतियात कर दें तो हो सकता है कि ये और आगे चला जाए यानी जिस तरह हम 25 अप्रैल को समझ रहे थे ये चला गया आ, दस से 20 मई तक और अगर हम जो मैं अभी बाद में आपसे बात करूंगा अगर हमने एहतियात कर ली तो ये और भी आगे जा सकता है और ये इसलिए है कि आज हम इस खुशक, कि, खुशकिस्मत कंडीशन में इसलिए और खुशकस्मत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दुनिया में और मुल्कों का हाल देखें इस वक्त कि किस तरह हज़ार हज़ार आठ आठ सौ दिन में लोग मर रहे हैं वहाँ तो उसके मुकाबले में मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जब मुजन किया जाए तो हमारी हमारे हालात बहुत बेहतर हैं तो और मैं ये इसलिए भी हैं कि जब छब्बीस करोना के केसेस थे पाकिस्तान में तेरह मई के करीब तो हमने तब लॉकडाउन किया था पाकिस्तान हाँ तेरह सॉरी तेरह मार्च को तो हमारा 26 फ़रवरी को पहला केस आया था और जब हमारे छब्बीस केसेज हुए तो तेरह मार्च को हमने अपना लॉकडाउन शुरू किया था और उस लॉकडाउन के बाद मुख्तलि कई सूबों ने सिंध ने ज़्यादा किया लॉकडाउन बाकी सूबों ने कम किया लेकिन अल्लाह का करम यह है कि हमारे जो भी हमने कदम उठाए हमने जब जायरीन भी आए तो उनको क्वारंटीन किया उनसे फैला नहीं आ, तो और उससे पहले हमने कोई आठ लाख यानी तेरह मार्च तक आठ लाख लोगों को हम एयरपोर्ट पर स्क्रीन कर चुके थे तो अल्लाह का शुक्र है और फिर चाइना से बड़ा प्रेशर था कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे वाहन में जो शहर में जिधर कोरोना शुरू हुआ उनको वापस बुलाया जाए हमने प्रेशर लिया और अल्लाह का शुक्र है कि एक भी केस हमें चाइना से पाकिस्तान नहीं आया अब अब जिधर आज हम खड़े हैं हमने जिस तरह आपने देखा कि हमने आहिस्ता आहिस्ता फैसला किया कि हम अब जो लॉकडाउन की कंडीशंस कम करने लगे हैं जिसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का हमने फ़ैसला किया कि कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हम खोलने लगे तो वो क्यों खोलने लगे ये भी मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ लेकिन मैं ये बात फिर से दोहराऊंगा क्योंकि आपको समझना चाहिए कि यूँ हम हम ये क्यों कदम उठा रहे हैं देखें हमारे जैसे मुल्क पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश साउथ अफ्रीका जैसे जगह जिधर कच्ची बस्तियाँ हैं जिधर ग़रीबों की बस्तियाँ हैं जिधर कच्ची आबादियाँ हैं जिधर शैंटी टाउन्स जिनको कहते हैं फिलपिन्स है ये सारे मुल्कों के अंदर जो कंडीशंस हैं जो हालात हैं वो मगरब से मुख्तलिफ हैं मसलन यूरोप और अगर अमेरिका का आप देखें तो उनसे हमारे मुख्तलिफ़ हालात हैं हमारे कच्ची आबादियों के अंदर हमारे गरीबों के महलों के अंदर लोग जुड़ के रहते हैं एक एक कमरे में छः से पाँच से आठ लोग भी रहते हैं और वहाँ कई बदकस्मती से पाकिस्तान में कच्ची आबादियों में ये हालात हैं कि पानी साफ पानी नहीं मिलता इतना तो हम जब एक कॉम फैसला करती है कि हम लॉकडाउन करेंगे तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब हम लॉकडाउन करेंगे तो हमारी नज़र में होना चाहिए कि ये जो ग़रीबों की आबादियों में लोग रहते हैं इनके ऊपर इसके क्या असरात आएंगे और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर मैं क्योंकि मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान जितनी है मैं सारी ज़िंदगी ये देखता रहा हूँ कि हम जो कानून बनाते हैं पॉलिसीज़ जो हम बनाते हैं हम सिर्फ एक छोटी सी एलीट क्लास का सोचते हैं हम अगर तालीम का भी निज़ाम पाकिस्तान में हमने और मैं उस प्रवलज क्लास से हूँ जिसको बेहतरीन तालीम मिली लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि आम लोगों के लिए जो तलीम है क्या वो मुकाबला कर सकते हैं हमारे जैसे लोगों का जिनको छोटे से तबके को अच्छी तालीम इंग्लिश मीडियम मिलती थी उसी तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के हस्पतालों को तबाह होते देखा गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो सुपर रिच लंडन के अंदर इलाज करवाना ये एक तब तबकाती निज़ाम पाकिस्तान में डेवलप हुआ ताकतवर अगर अदालत में जाता है उसके पास बड़े बड़े वकील होते हैं वो जो मर्जी डाके मारे वो बच जाता है जेलों में गरीब भरे हुए हैं ये जो हमारी माइंड सेट है जब हम लॉकडाउन करते हैं हमें ये और सोचा नहीं एटी अमेंडमेंट के बाद सूबों के, के पास इख्तियारत हैं वो अपने फ़ैसले कर सकते हैं तो जिस तरह फैसले किए गए मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि जब हम फैसले करते हैं तो क्या हम सोच रहे हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनका क्या बनेगा और जो हमने फैसले किए अब मुझे जो सबसे ज़्यादा खतरा ये कोरोना का नहीं है इस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो हमारा कमज़ोर तबका है गरीब तबका है उसके क्या हालात हैं और मुझे खतरा है उसका क्योंकि मैं मैं सीधी बात करता हूँ आप अगर अमेरिका में देखें इंग्लैंड में जिधर मैंने बहुत टाइम गुजारा हुआ है वहाँ का जो मजदूर है वो ज़्यादातर तकरीबन सौ फीसद ही रजिस्टर्ड है होगा दो तीन परसेंट ना रजिस्टर्ड लेकिन वो रजिस्टर्ड है और आज अगर आ, अमेरिका में या इंग्लैंड में देख लें कैनाडा में देख लें वो क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे वो बेरोजगार हो रहे हैं उनको डायरेक्टली पैसे जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं वहाँ उनके बैंकों के अंदर पैसे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास लिस्ट है आ, आ, उनकी मजदूरों की तो जो भी मजदूर अप्लाई करता है कि जी मैं बेरोजगार हो गया हूँ वो फिर गवर्नमेंट उसको पैसे दे रही है उनके पास रिकॉर्ड है हमारे पचहत्तर से अस्सी फीसद जो मरीज है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है उसकी हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो जब ये होता है तो गवर्नमेंट कैसे इसकी मदद करे हमें कैसे पता है? हम कैसे मदद करें तो इसलिए हमारे मुल्क में ये बड़ा मुश्किल है जब एक दिहाड़ीदार जाके घर बैठ जाता है रोज़गार जब ख़त्म होता है उसके बीवी बच्चे उसकी दिहाड़ी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि उन्होंने खाना पीना उनका बंदोबस्त करता है हो सकता है वो एक हफ़्ता दो हफ़्ते बेचारे अपने सारी जो भी बचाया हुआ है उनको वो खर्च कर दें तो आखिर में उनके पास क्या चॉइस है या तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं है ये जो मगरब है वहाँ तो पूरा वेलफेयर स्टेट्स हैं यूरोप जो है उधर तो सोशल सिक्योरिटी है यहाँ तो वो भी नहीं है इसलिए जब हम फैसला करते हैं हमारे हालात मुख्तलफ है और इसलिए हमें ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हम फैसला इसलिए खोलने का किया मैंने और मेरे कैबिनेट हैं क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि हम पहुँच ही नहीं सकते इतने ज़्यादा ये जो अनरजिस्टर्ड मज़दूर हैं हम इनके पास नहीं पहुँच सकते हमने एहसास प्रोग्राम किया ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है बारह हज़ार लोग रुपए जो हम एक करोड़ बीस लाख खानदानों को पहुँचा रहे हैं ये कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान पर इतना बड़ा प्रोग्राम और वो भी मेरिट के ऊपर यानी किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं है इसमें लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि यहाँ इतने ज़्यादा जो लोग हैं जो इससे इस नेट से बाहर हैं उन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं और हमें डर ये है कि जब तक हम वहाँ पहुँचें लोग भूख से सड़कों पे आ जाएंगे और अगर लोग भूख से सड़कों पे आ जाएंगे तो सारा लॉकडाउन का मकसद ही फेल हो जाएगा क्योंकि लॉकडाउन का तो मकसद ये है कि लोगों को आपस में फास ले रहे हैं तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन का शुरू किया और मैं कंस्ट्रक्शन की सिर्फ एक और बात करना चाहता हूँ हमने कहा कि जो भी जिसके पास पैसा है चाहे वो फॉर्मल इकोनॉमी है इनफॉर्मल इकोनॉमी है डिक्लेयर्ड है या नहीं डिक्लेयर्ड हमने सारों को दावत दी आप इसमें आ जाएं अब इस पर मैं देख रहा था लोगों ने शोर मचाया जी देखें ये क्या हुआ आपने फिर से एक एमनेस्टी स्कीम दे दी ये एमनेस्टी की बात नहीं है मैं आपको सीधी बता रहा हूँ कि अमरीका का तीस करोड़ तीस करोड़ उनकी आवाम है उन्होंने दो हजार अरब डॉलर का स्टेबुलस पैकेज दिया है पाकिस्तान की बाईस करोड़ आवाम का सारा स्टेबुलस पैकेज है आठ अरब डॉलर अब हमारे पास तो वो वसाइल नहीं है जो अमरीका के पास है या जो जर्मनी के पास है या जापान के पास है इटली के पास है लिहाजा हमने तो जो भी पाकिस्तानियों का पैसा है उस सारों को अंदर खींचना है ताकि हम इस वक्त अपने लोगों को रिलीफ दे सकें तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन में सबको कहा है कि आप शिरकत करें ताकि हमारी इकॉनमी चले ताकि लोगों को रोज़गार मिले ताकि लोग भूख से बचें उसके अलावा मैं अपनी मेरी टीम बैठी है इनसे मैं अभी बार बार ये इनसे आप आ, जो भी डेवलपमेंट्स हैं मैं आपको बारी बारी ये आपको आगा करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आ, दो और चीज़ें कहना चाहता हूँ मैं सिर्फ अपनी पुलिस से कहना चाहता हूँ देखें ये मैंने दो तीन सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी हैं कि लॉकडाउन जो लोग तोड़ रहे हैं उनको डंडे मारे जा रहे हैं मैं अपनी पुलिस से कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि हमारे आपके ऊपर प्रेशर डाउन मेंटेन रखें लेकिन देखें ये लॉकडाउन डंडे से मेंटेन नहीं होगा ये लॉकडाउन तब कामयाब होगा जब हमारे शहरी खुद समझेंगे कि उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि उनके भले के लिए है ये सारी कौम के लिए है क्योंकि अगर कोरोना फैलता है तो हम जानते हैं कि उसके डायरेक्ट असर बीमारी से और इनडायरेक्ट लॉकडाउन से सारी कौम को असर होता है खास तौर पे हमारे ग़रीब लोगों को इसलिए उनको समझाएँ मैं जो भी पाकिस्तान के ओपिनियन मेकर्स हैं हमारे जो आर्टिस्ट हैं जो हमारे कॉलमनिस्ट हैं जो हमारे टीवी पे एंकर्स हैं जो आ, जो हमारे आ, उल्मा हैं मैं सर, सब सबको आपको कहता हूँ कि आप सब का काम है कि अवाम को बताएँ कि ये ये हम सब के भले के लिए है कि अगर ये हमारा लॉकडाउन कामयाब होता है जितनी जल्दी कामयाब होता है उतनी जल्दी हम वापस अपने आ, कारोबार खड़े कर सकते हैं मुल्क नॉर्म पर जा सकता है तो इसलिए बजाय इनको मारने के क्योंकि डंडे से ये नहीं होने लगा सारी दुनिया में अब सामने आ रहा है बांग्लादेश में फ़िलपिन में साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तान में भी आप देख लें कोई भी डंडे से ये लॉकडाउन एक दो हफ्ते तो शायद कामयाब हो जाए उसके बाद नहीं हो सकते तो इसलिए उन उनको अपना समझें उनको समझाएं लोगों को और लोगों को हम सारे समझाते रहेंगे कि ये आप सबके भले के लिए आ, उसके बाद रमज़ान आ रही है और हमारी मस्जिदों के अंदर लोग इबादत करना चाहते हैं हम सब जानते हैं कि रमज़ान में हम सब मस्जिदों में जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो टाइम है इबादत का डॉक्टर अलवी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने से आज मीटिंग की है उसके अंदर कई चीज़ें तय हो गई हैं मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की और मैं आज अपील करूँगा जो भी इमाम मस्जिद है कि आप प्लीज़ ये जो तयशुदा चीज़ें हैं कि क्या आपने प्रिकॉशंस लेनी हैं क्या आपने कदम उठाने हैं कि लोग मस्जिद में भी जा सकें और कोरोना से भी बच सकें सोशल डिस्टेंसिंग यानी फासले रखने हैं इसके ऊपर सब अमल करें क्योंकि देखें आ, अगर एक मस्जिद के अंदर खुदा न खास्तक एहतियात ना की गई और कोरोना फैलना शुरू हुआ तो वो वो मस्जिद कोई नुकसान होगा वैरान हो जाएगी मस्जिद और उसी तरह जो हम ये खोल रहे हैं फैक्ट्रियाँ भी और कंस्ट्रक्शन भी ये भी हमने पूरी टी ओ आर्स दिए हुए हैं आपको कि क्या क्या आपने कदम उठाने हैं उसके लिए और मालिकान को जो भी आ, जो मालिक है जो फैक्ट्री का मालिक है जो भी कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक है उनको भी हम आपको कह रहे हैं कि आपके इंटरेस्ट में है कि आपके जो नीचे काम कर रहे हैं वो सारे ये जो हमने पूरे आपको रूल्स दिए हुए हैं कि किसके मुताबिक आपने काम करना है उसको प्लीज़ फ़ॉलो करें क्योंकि अगर अगर वहाँ कोरोना फैलेगी तो जाहिर है वो फैक्ट्री भी बंद होगी या वो कंस्ट्रक्शन साइट भी बंद होगी तो आप सबके इंटरेस्ट में है आखिर में मैं आ, अपने टीम के पास जाने से पहले दो और चीज़ें कहना चाहता हूँ देखें हमारे इस कोरोना के क्राइसिस में जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा नज़र आ रहा है वो ये कि लोग जखीरांदोजी करेंगे मैं पहले भी कह बैठा हूँ मैं अभी कहता हूँ मुझे ख़तरा ये है कि लोगों ने पैसा बनाने की कोशिश करनी है जिस तरह रमज़ान से पहले लोग पैसा बनाते हैं जिस तरह अभी पीछे आटा और चीनी का क्राइसिस आया लोगों ने ज़ख़ी अंदोजी करके पैसा बनाया इस बारी जो भी पैसा बनाने की कोशिश करेगा जखीरा अंदोजी करके ये पहली दफ़ा गवर्नमेंट बहुत सख्ती करेगी हम ऑर्डिनेंस ले आए हैं इसके ऊपर जखीरा अंदोजी के ऊपर ये बड़ी सख्ती होगी और नीचे मैनेजर नहीं पकड़ेंगे हम मालिकान के पीछे जाएंगे जिन्होंने अब लोगों की मुश्किल के ऊपर पैसा बनाने की कोशिश की ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको आपको अभी से पहले से ख़बरदार कर रहा हूँ कि बड़ी सख्ती की जाएगी लोगों को पकड़ा जाएगा ये नहीं छोटे प... लोगों को नहीं पकड़ेंगे ऊपर जाके जो असल लोग पीछे बैठे हुए उनको पकड़ेंगे दूसरी चीज़ है स्मगलिंग इस बारी हमें ये डर है क्योंकि पाकिस्तान में जो गंदम है वो सस् जो बाहर है इसको तो उसकी कीमत ऊपर है और हमें ये खौफ है कि लोग गंदम को स्मगल करेंगे उसके लिए स्मगलिंग का ऑर्डिनेंस आ... या आज रात आ जाएगी या कल आ जाएगी और वो ऑर्डिनेंस के मुताबिक वो सख्ती अब की जाएगी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ जो कभी पहले नहीं की गई क्योंकि हमने किसी सूरत कीमतें बढ़ने नहीं देनी ताकि क्योंकि उसका सब से नुकसान इस मुल्क में गरीब पे पहुंचेगा अगर हम लोगों को बारह बारह हज़ार रुपया दे रहे हैं इस वक्त और ये कभी फिर से मैं रिपीट करता हूँ इतना पैसा नहीं दिया गया तो अगर इन्होंने कीमतें ऊपर बढ़ा दी तो उनका तो पैसा बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा इसलिए ये मुल्क के लिए ये अपनी गरीब लोगों के लिए मैं आज स्मगलर्स को भी कह रहा हूँ होर्डर्स या ये जो ख़ीरांदोजी करते हैं उनको मैं आज आपको ख़बरदार कर रहा हूँ कि बड़ी सख्ती की जाएगी इस बारी हमने ये दो ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं और ये सिर्फ लेके आ रहे हैं इसलिए अपनी कौम को बचाने के लिए स्मगलर से भी और ये जो कि जख़ीराजी करके महंगाई करके पैसा बनाते हैं